मित्रों, आज के एपिसोड की शुरुआत में जी हो जो बाईजिन का मुक्का खा कर दूर गिरने के बाद उसे चोट लग गया और वो तैन के घर में सोफे में लेटकर तैन से कह रहा था कि हाय दया, दर्द हो रहा है, लगता है कमर में मोच आ गया। तैन, अभी तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। तैन जो जीहो का चोट देखते हुए कह रहा था कि तुम्हें तो सिर्फ खरोच आया है, तो मैं इसमें तुम्हारा क्या ध्यान रखूं? तब हम बाईजिन को भी देखते हैं जो डोडो को खाना खिला रहा था और गुस्से में जीहो की तरफ घूरे जा रहा था। खैर, तब तैन जीहो से कहने लगता है कि जीहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कार्डिवेशन वर्ल्ड में किसी गलत आदमी के साथ फ्लर्ट कर लिया और अभी तुम यहाँ मेरे घर छुपने के लिए आए हो? जीहो तब तैन की तरफ देखते हुए और स्माइल करते हुए कहता है कि तैन, ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। जीहो तब उठकर बैठ जाता है और तैन से कहने लगता है कि तैन, तुम मेरे थोड़ा नजदीक तो आओ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या है वो जरूरी बात। तैन तब सीरियस हो जाता है और जरूरी बात सुनने के लिए वो अपना कान जीहो के ओर बढ़ाता है। जीहो तब बाईजिन की तरफ देखते हुए और स्माइल करते हुए साथ में वो तैन की बालों से खेलते हुए तैन को बताने लगता है। तैन, एक्चुअली बात यह है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी ने एल्डर्स को बता दिया है कि तुम तैन अभी सिंगल नहीं रहे। सो यहाँ पर जी हो तैन से तैन का डिमांड किंग इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है और जैसा कि हमें मालूम ही है, तैन को इलेक्शन को लड़ने के लिए उसे सिंगल होना होगा। और जी हो तैन से ये कह रहा है कि किसी ने डिमांड कमिटी की एल्डर्स को बता दिया है कि तैन सिंगल नहीं है। खैर, आ जाते हैं स्टोरी में जहाँ जी हो को तैन का इतना नजदीक देखकर बाईजिन को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जी हो को जाकर एक जोरदार चाटा दे मारता है। तब हम जी हो को देखते हैं जो बाईजिन का चाटा खाने के बाद अपने मन में कह रहा था कि जैसा कि मैंने सोचा, बाईजिन तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। खैर, तैन को तब बाईजिन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि बाईजिन तैन के दोस्त को बार बार मारे ही जा रहा था। तब तैन बाईजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि बाईजिन, कर क्या रहे हो तुम? और बाईजिन, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो दोबारा जीहो की तरफ बढ़ने लगता है। तैन बाईजिन का कॉलर पकड़ के उसे रोकते हुए सोचने लगता है कि क्या दूसरा आदमी मेरे साथ बात कर रहा है, इसीलिए बाईजिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पर बाईजिन, जो मेरे दोस्त को बार बार मारे ही जा रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बाईजिन तब तैन से कहने लगता है कि तैन, तुम मत भूलो कि तुम अभी एक शादीशुदा आदमी हो। तैन तब बाईजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या शादीशुदा आदमी, तो क्या हो गया, मेरा जो मर्जी में आएगा मैं वो करूँगा, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे रोको। और बाईजिन, तुम मत भूलो कि हमारा शादी अभी तक हुआ नहीं, हमारा अभी भी ट्रायल मैरिज चल रहा है। जी हो तब तैन का हाथ पकड़ते हुए और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए तैन से कहने लगता है कि तैन, जाने दो, ऐसे भी मैं एक राक्षस कल्टीवेटर हूँ और ये तो जाहिर सी बात है कि न्याय का कल्टीवेटर राक्षस कल्टीवेटर को कभी भी पसंद नहीं करते, तो तुम मेरे लिए बाईजिन के साथ लड़ाई मत करो। और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई प्लेस नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। तैन जीहो से कहता है कि चुप रहो, मैं भी तो एक राक्षस कल्टीवेटर हूँ। तैन तब गुस्से में जीहो को लेकर अपने घर से जाने लगता है बाईजिन से ये कहते हुए, अगर तुम्हें राक्षस कल्टीवेटर से इतना ही प्रॉब्लम है तो अभी हम जा रहे हैं। अभी हम जीहो को देखते हैं जो डेविल जैसा स्माइल करते हुए सोच रहा था कि अभी सब
कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। और वो बाजिन की तरफ तब देखते हुए अपना जीप दिखाते हुए उसे चिढ़ाने लगता है। बाजिन तब कुछ ना कहते हुए वो टैन की तरफ देखे ही जा रहा था, अपने मन में ये सोचते हुए कि टैन तुम दूसरे आदमी के लिए मुझे छोड़कर अभी जा रहे हो। दूसरी तरफ हम डोडो को देखते हैं, वो भी अपने मन में सोच रहा था कि पापा डाडा को हो क्या गया है और जीहो अंकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। यहाँ से होता है सीन शिफ्ट, दिखाया जा रहा है कि टैन और जीहो इंसानों की दुनिया की डिस्को बार में आए हुए हैं, जहाँ टैन ड्रिंक करते हुए कह रहा था कि मैंने कौन सा दुष्ट कर्म कर दिया जिससे ये आदमी मेरे नसीब में आ गया, जब देखो अपना नाक मेरे काम पर अड़ाता रहता है। जीहो हंसते हुए टैन से कह रहा था कि टैन तुम अपना दिमाग गरम मत करो, और ऐसे भी न्याय के कल्टीवेटर लोग होते ही है एक नंबर के घमंडी। उन्हें लगता है कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वही सही है। टैन तब अपने ही ख्यालों में चला जाता है और मन ही मन कहने लगता है कि ऐसे तो बाजीनी है जिसने पहला लड़ाई शुरू किया, और जब मैं घर से निकलकर आ रहा था तब जैसे वो मुझे देख रहा था उसका ऐसा शक्ल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। और थोड़ी देर बाइजिन के बारे में ही सोचने के बाद वो चौंक कर अपने मन में ही कहने लगता है कि क्या मैं गे हूँ। जीहो तब टैन को ख्यालों में डूबा हुआ देखकर वो टैन से पूछने लगता है कि टैन क्या हुआ है तुम्हें, क्या सोच रहे हो, क्या तुम बाइजिन के बारे में तो नहीं सोच रहे। टैन तब अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और जीहो से कहने लगता है कि नहीं मैं क्यों भला उसके बारे में सोचूंगा। और जीहो तुम क्या कह रहे थे कि एल्डर्स को मैं जो सिंगल नहीं हूँ उसके बारे में किसने बताया। जीहो कहने लगता है कि कोई नहीं, तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, मैंने उस बंदे को संभाल लिया है। टैन कहता है थैंक्स ब्रो। उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि चलो अभी पूरी रात मिलकर पार्टी करते हैं। तब जीहो टैन को ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक करवाने लगता है। दूसरी तरफ हम बाइजिन को देखते हैं जो अपने घर में बैठा हुआ था और उसका रिंग एक्टिवेट होकर उससे कह रहा था कि बिंग आपका पति टैन लगता है कि वो मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उसके बाद रिंग बाइजिन को टैन किधर है टैन का एड्रेस बताने लगता है। बाइजिन तब सीरियस लुक देते हुए कह रहा था कि तो फिर टैन अभी डिस्को बार में है। दूसरी तरफ डिस्को बार का सीन दिखाया जा रहा है जहां टैन टल्ली हो चुका है और जीहो हंसते हुए टैन से पूछ रहा था कि टैन क्या तुम टल्ली हो चुके हो। फिर जीहो अपने पास से एक कागजात निकालता है और स्माइल करते हुए टैन का हाथ पकड़ के उसका अंगूठा उस कागजात के ऊपर ले जाने लगता है, ये कहते हुए कि टैन जब तुम अपना अंगूठे की छाप इस कागजात के ऊपर दोगे तब तुम हमेशा के लिए मेरे बन जाओगे, क्योंकि ये कागजात एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सर्टिफिकेट है और जब हम इस कागजात के ऊपर अपना अंगूठे की छाप देंगे तब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। तब हम उस कागजात को देखते हैं जहां लिखा था कि ये कागजात एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सर्टिफिकेट है कल्टीवेशन कमिटी से, और जब हस्बैंड एंड वाइफ अपना अंगूठे का छाप इस कागजात के ऊपर दे देंगे तब ये कागजात एक्टिवेट हो जाएगा और साथ में ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सर्टिफिकेट है, तो हस्बैंड एंड वाइफ 2 साल तक अलग नहीं हो पाएंगे, ना ही 2 साल के पहले वो लोग किसी दूसरे से शादी कर पाएंगे।
और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि तैन भाई साहब तो फिलहाल टल्ली हो चुके हैं, तो उन्हें तो मालूम पड़ नहीं रहा कि उनके साथ कोई और शादी करने की फिराक में है। और मेरे प्यारे मित्रों, आपको क्या लगता है कि अभी स्टोरी में क्या होने वाला है? खैर, जो भी होने वाला है ये तो हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। तब तक आप सब लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।